हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं डिस्क्लेमर्स का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी की तरफ हेट नहीं पहुँचाना चाहता, ना मैं किसी पे फालतू एलिगेशन लगाना चाहता हूँ। ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाली वीडियो होने वाली है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक इंडियन वी ट्यूबर के बारे में, जिसका नाम है ब्लेज गेम टॉक्स। ये बंदा अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम्स करता है और एंड साथ ही साथ गेमिंग से रिलेटेड वीडियो ऐसे भी बनाता है जो कि मेरी नज़र में अच्छे हैं भाई। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये बंदा किसी और का कॉन्टेंट चुराता है अपनी वीडियोस बनाने के लिए। एंड मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा, मेरे पास दो वीडियोस है जिसमें मेरे पास प्रूफ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। अब जो इसकी पहली वीडियो है जिसका टाइटल है मॉडर्न गेम्स की प्रॉब्लम, वो इसकी पहली वीडियो थी जो मैंने देखा था। मैंने इसका चैनल एक्सप्लोर किया, कुछ और दो चार वीडियोज़ देखी एंड भाई मेरे को इसका कॉन्टेंट सही लगा तो मैंने इसको सब्सक्राइब कर दिया। अब बात यहाँ तक ठीक थी जब तक मैं एक दिन उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़ नहीं रहा था देखने के लिए कि मेरे अलावा उस वीडियो को कितने कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मेरे को एक कमेंट दिखता है जिसे लिखा होता है एक बंदे ने जिसका नाम होता है जियोनिक्स XD। वो उसको अक्यूज़ कर रहा होता है कि इस बंदे ने अपनी वीडियो बनाने के लिए डैड गाय बेस की वीडियो को चोरी की है। तो मेरे को वो चीज़ अजीब लगी, तो मैंने डैड गाय बेस के चैनल पर जाके देखा वो वाली वीडियो। उस वीडियो का टाइटल था वाई आर्ट गेम्स फन एनी मोर। एंड जब मैंने दोनों वीडियोज़ को साइड बाई साइड कंपेयर किया तो भाई शॉकिंगली मैंने ये चीज़ डिस्कवर की कि हाँ, ब्लेज गेम टॉक्स ने उस बंदे की पूरी वीडियो को भाई चोरी किया है भाई। उसमें थोड़ा सा काटे पीटे मचाया है भाई, एंड उसको अपना दिखाने के लिए उस पर भाई डबिंग कर दी हिंदी में, और स्क्रिप्ट भाई बिल्कुल वही सेम है भाई, बस हिंदी में। दोनों वीडियोस में चार सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर बात की गई थी, जैसे कि क्रिटिसिज्म और AAA गेम्स, रीमेक्स, माइक्रो ट्रांजैक्शन एंड प्लीज सपोर्ट इंडी गेम्स। व्हाट हैपेंड टू वीडियो गेम्स एंड व्हाई aren't they fun anymore? I feel like that's a question that's plagued the modern gamer a lot lately, and in this video I want to take a look at why we've been feeling this way lately when technology has only gotten better and games have only become more and more ambitious. From an objective standpoint, we should be happy with the current state of gaming. So then why are we constantly disappointed with every new release? Why does picking up the controller almost feel like a chore at this point? क्या हो रहा है आजकल गेम्स को? गेम्स में फन निकल गया है? हमारे फेवरेट गेम्स को जिन कंपनीज ने बनाया वो सेम कंपनीज इतने बेकार गेम क्यों बना रही है? बेकार भी नहीं बोल सकता, बट जो मॉडर्न गेम्स आ रहे हैं आजकल उसमें वो फील नहीं आता। पहले जो गेम्स एक्सेप्ट करते थे वो सब चीज़ें अभी भी इस गेम्स में आती है। हाई ग्राफिक्स, बढ़िया गेम प्ले, मल्टीप्लेयर के ऑप्शंस और भी बहुत सारे फीचर रहते हैं, पर अपन खेलते नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, हाई क्वालिटी गेम्स अभी भी बनते हैं जो देख खेल के तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे जब तक पार नहीं करोगे। बहुत एग्जाम्पल हैं उनके, पर उसके कंपैरिजन में बेकार गेम भी बहुत बन रहे हैं जिसको थोड़ी देर खेलोगे फिर बोलोगे हाँ ठीक है, ना तो दिल लगता है ना तो मन करता है, हुआ क्या है। खैर ये तो केवल एक एग्जाम्पल था। मैं चाहूँ तो भाई दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके देख सकते हो एंड क्रॉस चेक कर सकते हो, ताकि तुम लोग भाई ये देख पाओ कि मैं ऐसी फालतू क्लेम्स नहीं बना रहा हूँ। एनीवेज चलते हैं भाई दूसरी वीडियो की तरफ। अब जो दूसरी वीडियो का टाइटल है वो है इस वैलोरेंट स्पाईवेयर। तो जब तुम इसकी वीडियो को पहली बार देखोगे तुम्हें लगेगा कि इसने भाई ये वीडियो ओरिजिनली खुद बनाई है एंड तुम्हें नहीं लगेगा कि इसने कैसे चोरी की है। लेकिन जो इसका थंबनेल है भाई, वो इसने चुराई है वेस्ट जेट करके एक क्रिएटर का। ब्लेज ने उस बंदे के थंबनेल को डाउनलोड किया, उस पर टेक्स्ट जोड़ दिया, बूम बन गया तुम्हारा भाई ओरिजिनल थंबनेल। एंड जब मैं इस बंदे को कॉल आउट करता हूँ इस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में, तो ये बंदा केवल रिप्लाई करता है यप। आई कैन ओनली इमेजिन ये बंदा कितना स्मग रहा होगा जब ये चीज़ लिख रहा था। रही बात एक्चुअल वीडियो की, तो इस बंदे ने कुछ क्लिप्स एक दूसरे यूट्यूबर से चुराए जिसका नाम है द PC सिक्योरिटी चैनल। इसको मैं प्रॉपर चोरी भी नहीं बोलूँगा, इसने उसके क्लिप्स यूज़ किया है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसको कहीं भी उसके चैनल का लिंक नहीं दिया, उसको मेंशन नहीं किया है, तो मैं इसको तब भी चोरी की कैटेगरी में डालूंगा। मैं ओरिजिनली चाहता नहीं था कि मैं वीडियो बना के इसको भाई कॉल आउट करूं। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इससे बात करूंगा भाई तो ये बंदा शायद मान जाए अपनी गलतियाँ, तो मैं इसके कम्युनिटी पोस्ट पे भाई ये लिखता हूँ। एंड वहाँ से भाई इस बंदे ने मेरे से बहुत ही रूडली बात करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करता है कि भाई मेरे चैनल पे भाई नंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे सब्स बढ़ क्यों नहीं रहे, मेरे चैनल पे भाई जो वीडियोज़ हैं तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, वगैरह वगैरह। मतलब भाई एकदम भाई इमेच्योर इंसल्ट करता है ये। उसके बाद ये बंदा अपने भाई एड्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, बोलता है कि ये बंदा कॉपी कर रहा है दूसरे की वीडियोज़ को। अगर तू कॉपी कर रहा होता ना तो मैं बोलता तू कॉपी कर रहा है, लेकिन तू कॉपी नहीं कर रहा है तो चोरी कर रहा है।
एंड उस पर भाई ये डबल डाउन होके बोलते हैं कि भाई जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कैरिबिनाटी वगैरह, उन्होंने फॉरेन के क्रिएटर्स को देख के कॉपी किया है भाई, जैसे भाई लीफी इज यार। तो भाई कॉपी करके कोई नहीं सीखता है, सबको इमिटेट करके सीखते हैं भाई। अगर तेरे को लगता है ना कॉपी करके कुछ सीखा जाता है तो फिर तुमने भाई ब्रेंड रिवेरा के बारे में नहीं सुना है। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं इसकी पर्सनल लाइफ से क्यों इंटरफेयर कर रहा हूँ। भाई सुन मेरी बात, ना मैं तेरी पर्सनल लाइफ से इंटरफेयर कर रहा हूँ, ना तो कोई व्लॉग्स चैनल है जो अपनी भाई पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है। तो यूट्यूब पे, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तू वीडियोस अपलोड करेगा तो लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, और अगर वो चाहे तो भाई पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। तो अगर तुमको उसको हैंडल करना नहीं आता है तो इट्स योर फॉल्ट भाई। और जब ये बंदा ऐसे चोरी चमारी करेगा भाई वीडियोस बनाने के नाम पे, तो फिर भाई इसके ब्रांड वाले पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि भाई ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल थी जो मेरे को दिखा, अब मेरे को नहीं लगता भाई इसने दूसरी बाकी वीडियोज़ में भी ऐसा किया होगा। लेकिन अगर ऐसा किया है भाई, तो फिर भाई जो भी रिस्पेक्ट इसको अभी मिली है ना, वो सब भाई डूब जाएगा। तो बस मैं इससे यही हाथ जोड़ के विनती है भाई कि ये सब काम मत करा करो भाई, ऑनेस्ट वीडियो बनाओ भाई, अपने खुद के ओपिनियन डालो, एंड हाँ भाई ग्रो करो यार, और क्या कह सकता हूँ मैं। अब मैं वो वाला लाइन भी नहीं बोलने वाला जो दूसरे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम खुद पे रिफ्लेक्ट करो। ना भाई, फक दैट शिट भाई। ये बंदा खुद 20 साल की उम्र की रेंज में होगा, ही शुड बी मैच्योर इनफ टू डील विथ हिज ओन शिट भाई एंड गेट इट टुगेदर भाई। इसी के साथ भाई आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को अपनी लाइफ पे काम करना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है जिसको करना है करो भाई, ठीक है, बाई।